अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो ऐसे पढ़ा है कि दरअसल उसके बाद हम लोग एक लेटर भी पढ़ेंगे और ये लेटर भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखना है। लेटर है, लेटर टू आर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। ये फादर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप मदर कह लें। ये पेज नंबर है आपकी बुक का 167 ग्रामर की बुक का, ठीक है। तो पैटर्न आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ABC 22 जून 2020 डियर फ्रेंड, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, आपने ये लिखना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो लेटर की बॉडी है वो दी गई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आई वॉज़ वेरी सॉरी टू हेयर द डेथ ऑफ योर मदर। आपकी वालदा का इंतकाल की खबर सुन के मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो दुख हुआ है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपथी ऑन योर ग्रेट लॉस। इस अजीम नुकसान पे आप जो मेरी गहरी हमदर्दी है उसको कबूल करें। इफ़ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू प्लीज़ लेट मी नो इमीजिएटली। अगर मैं आपकी किसी भी तरह जो है वो मदद कर सकता हूँ तो लेट मी नो इमीजिएटली, यानी कि मुझे फ़ौरन आगाह किया जाए या मुझे फ़ौरन बताया जाए। तो ये एक फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है जिसमें वो उसकी जो मदर की डेथ है उस पर इजहार अफसोस कर रहा है कि मुझे आपकी वालदा के इंतकाल का सुन के जो काफ़ी दुख हुआ है और अगर मैं किसी भी तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख के उसके बाद लिखना है योर सिंसियरली, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं योर फ्रेंड, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद कॉमा एंड XYZ, तो ये आपका जो लेटर है वो भी कम्प्लीट हो गया है।